नाजरीन अस्सलाम वालेकुम, आईएनडी टुडे न्यूज में आपका खैर मकदम करते हैं। आइए देखते हैं ये तफसीलात। महाराष्ट्र के चीफ मिनिस्टर देवेंद्र फडणवीस ने पड़ोसी रियासत तेलंगाना के जुक्कल असेंबली हलके में बीजेपी की इंतखाबी मुहिम चलाई। उन्होंने पार्टी उम्मीदवार अरुणा को कामयाब बनाने की अपील की। पड़ोसी रियासत महाराष्ट्र और कर्नाटक के बीजेपी और शिवसेना कायदीन ने जो बीजेपी की ताईद में इंतखाबी मुहिम चला रहे हैं, इस जलसे में शरीक थे। इन बे सेना के रुकन असेंबली सुभाष सिहाय और प्रभु चौहान काबिले जिक्र हैं। पार्टी ने निर्णय किया है कि हमारे चाहे युवा हो चाहे हमारी महिलाएं हो, सभी के हाथ को काम मिलना चाहिए, सभी के खेत को पानी मिलना चाहिए। लेंडी जैसी हमारी परियोजना जो अत्यंत महत्वपूर्ण है, महाराष्ट्र में तो हमने लेंडी का काम जोरों से शुरू किया है और यह हमारी सरकार आएगी तो लेंडी को और ज्यादा गति मिलेगी और लेंडी प्रोजेक्ट के माध्यम से आप सभी के खेत तक पानी पहुंचेगा। महाराष्ट्र की जिम्मेदारी हमने ली है। वैसे भी आप देखिए, यहां पर कांग्रेस की जब सरकार थी, महाराष्ट्र में भी कांग्रेस की सरकार थी और हमारे कालेश्वरम से और हमारे गढ़चिरौली के सारे इलाकों से तेलंगाना को पानी देना था। दोनों जगह कांग्रेस की सरकारें थी, झगड़ती रही, आखिर तक पानी नहीं दिया। कभी टीडीपी और कांग्रेस की सरकार थी, कभी कांग्रेस और कांग्रेस की सरकार थी, तेलंगाना के हिस्से का पानी नहीं दिया। मैं मुख्यमंत्री बना, मोदी जी ने मुझे कहा जो तेलंगाना के हिस्से का पानी है महाराष्ट्र के हिस्से का पानी आप रख लो, तेलंगाना के हिस्से का पानी तेलंगाना को दे दो, तेलंगाना के 15 जिलों में इतना पानी जाएगा कि तेलंगाना सुजलाम सुफलाम हो जाएगा जो 20-25। अगर आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो आपको यहाँ सब्सक्राइब बटन दिख रहा है, उसे क्लिक करिए और सब्सक्राइब कीजिए और साथ ही साथ बेल आइकॉन को भी क्लिक करिएगा जिससे कि आपको ताजा अपडेट मिलते रहें।